चिरकाल, मैं मोनिका वार्ड नंबर 6 से वार्ड प्रत्याशी के चुनाव के लिए खड़ी हुई हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है लेटर बॉक्स। मुझे अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। मैं सफल होकर आप सभी के सहयोग के साथ आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। हिमाचल परिवहन सेवा नियुक्त कल्याण मंच की बैठक हुई। बैठक में HRTC के पेंशनरों की पेंशन के स्थायी समाधान व अन्य लंबित वित्तीय लाभों के बारे में गंभीरता से चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष बलरामपुरी ने चर्चा के दौरान कहा कि निगम के पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। हर माह की 22 से 25 तारीख के पश्चात ही नसीब हो रही है, जिस कारण पेंशनरों को अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। इसके अतिरिक्त पेंशनरों को वित्तीय लाभ जो पिछले 5 वर्षों से लंबे चले आ रहे हैं, अभी तक सरकार व निगम प्रवर्तन द्वारा भुगतान नहीं हुए हैं। सभी भत्तों की लगभग 300 करोड़ रुपए की अधिक देनदारियां राज्य सरकार निगम प्रबंधन द्वारा पेंशनरों की लंबित रखी गई हैं, जिस कारण पेंशनर जिन्होंने अपना 35 से 40 वर्ष का जीवन काल भीषण परिस्थितियों में जनता की सेवा में अर्पित किया है, वह अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं बलरामपुरी, प्रदेश अध्यक्ष, हिमाचल परिवहन सेवा नियुक्त कर्मचारी कल्याण मंच। आज जो यहाँ विशेष बैठक रखी गई है, उसमें कोरोना, हमारी जो विधिवत बैठकें होती थी, प्रतिमास बैठकें होती थी, वो कोरोना काल के कारण नहीं हो पाई। इसलिए लोगों का भारी दबाव था कि बैठक होने चाहिए, और इस बैठक को जो है यहाँ जसूर में ही आयोजित किया गया, जिला कांगड़ा की बैठक को। इसमें जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जो कि बहुत ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, क्योंकि अभी तक दो दो तीन तीन साल से जो उनके देय भत्ते हैं सेवानिवृत्त होने के उपरांत वो नहीं मिले हैं, उनके लिए भी सरकार को आगाह करने के लिए यहाँ और प्रार्थना करने के लिए बैठक रखी गई है। इस बैठक में जो हमारे सबसे बड़ी अहम बात ये रही है कि हमने जितने भी हमारे लंबित भत्ते हैं उनको जो है वो जारी करने के लिए बहुत ब्याज प्रस्ताव पारित किया गया है, और इसी के साथ अब जो जैसा कि हमारी मुख्य मांग रहती है कि हमारी पेंशन का बजट में स्थायी प्रावधान किया जाए, तो उसके लिए स्थायी प्रावधान के लिए, क्योंकि अब जो बजट के लिए सुझाव और बजट जो बनाने के लिए जो प्रक्रिया शुरू हुई है, क्योंकि ये 2 महीने तक चलेगी और प्रारंभ हुई है, उसी में हमारा ये विनम्र निवेदन रहेगा कि हमारी इस मुख्य मांग को भी बजट में जो है वो लाया जाए और पेंशन का स्थायी समाधान किया जाए। हालांकि ये सरकार जो आई है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, यह ठाकुर जयराम ठाकुर जी की, उनमें काफ़ी कुछ बातों के लिए, जैसे कि पेंशन हमें 2-3 महीने, पिछली सरकार में 2-3 महीने तक भी नहीं मिलती थी, अब वो पेंशन रेगुलर हुई है, और जो एक एक साल लोगों को सेवानिवृत्त हो गया था उनको पेंशन नहीं लग पाई थी, उनकी भी स्थायी जो है पेंशन जो है वो अक्टूबर महीने तक जारी कर दी गई है। लेकिन उसका जो पेंशन तो जारी कर दी गया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, परिवहन मंत्री जी का, लेकिन बाकी जो हमारे देय भत्ते हैं उसके लिए भी हम बार बार आग्रह करने जा रहे हैं कि हम वरिष्ठ नागरिक हैं और इस जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, और हमें जो है जो हमारी पूरे जीवन की कमाई है वो जो हमें जीते जी मिलनी चाहिए, इसे हम सरकार से आगाह किया है। अगर सरकार, लोगों ने आज ये प्रस्ताव पास किया है कि अगर ये बजट में स्थायी प्रावधान नहीं होता है तो ये कल्याण मंच जो है आगामी रणनीति तैयार करके किसी न किसी संघर्ष के लिए बाध्य होगा।